बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बिरयानी, और ये स्पेशल बड़ी ईद के लिए हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं झटपट बिरयानी, तो हम आज वही बनाएंगे। ये देखिए, हमने एक प्रेशर लिया है, उसमें हमने एक छोटी कटोरी लहसुन की शामिल कर दी है, और 3 से 4 प्याज मीडियम साइज़ के हमने ऐड किए हैं, और कुछ हम लेंगे हरी मिर्चें और टमाटर। ये 3 से 4 टमाटर हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, और 1 से 1.5 कप हम पानी शामिल करेंगे, और इसको हम 3 से 4 मिनट प्रेशर लगवाएंगे, और तमाम मसाले को हम फटाफट से बॉईल कर लेंगे। अब जो हमने चावल उबालने के लिए पानी रखा था, वो भी हमारा जो है अच्छे से, देखिए कितने उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 4 ग्लास चावल हैं, और इनको मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इस देगचे में इन चावलों को डाल के अब इनको कच्ची करनी पर उतारेंगे, जब इसमें अच्छे खासे 5-6 उबाल आ जाएंगे। और नमक हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाला है, आप भी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो अपना मसाला रखा था, उसको भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम प्रेशर कुकर चेक करेंगे। ये देख लें, तमाम मसाला जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे सारा मसाले को, और इसका जो पानी है इसको सारा खुश कर देंगे। और ये देखिए कितना नरम और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है मसाला, लहसुन प्याज वगैरह हर चीज़ जो है ना। तो अब हम इसमें घी डालेंगे, घी डाल के हम इसको जो है ना अच्छे से पकाएंगे। और सबसे जो अहम बात है वो है कि हम इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे, घी शामिल करेंगे। कुकिंग घी जो होता है ना, वही शामिल करेंगे, ऑयल नहीं शामिल करेंगे। बिरयानी हमेशा घी से बनती है। अब हम अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे, और जो हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो बताती हूँ आपको, अब यहाँ पे ये देखिए चावलों के ऊपर जो ये फेस से बबल्स आ रहे हैं, हम इनको भी स्किप कर देंगे चम्मच की मदद से। और चावल यहाँ पे हमारे तकरीबन हो चुके हैं कच्ची कनी पे, अब हम इनको एक छलनी में छान लेंगे। ये देखिए चावल हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इस मसाले में चिकन को शामिल करेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो के रख लिया था। एक खाने का चम्मच हम इसमें अदरक पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें नेशनल बिरयानी मसाला है, ये देखिए, अब हम नेशनल बिरयानी मसाला इसमें एक पैकेट जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छे खासे हम स्पाइसेस बनाएंगे ताकि ये खाए जाएं, और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। कुछ धनिया पाउडर 1 चम्मच है, गरम मसाला मैंने पीसा लिया है, सॉल्ट भी हमने 1/2 चम्मच लिया है, और नमक जो है वो सादा हमने तकरीबन 2 चम्मच लिया है, पीसी लाल मिर्च हमने 2 से 2.5 चम्मच लिए हैं। और गरम मसाले को इसलिए मैंने पीस लिया था कि साबुत हो तो बच्चों जो है वो निकाल देते हैं, बच्चों के मुंह में आता है वो निकाल देते हैं, इसलिए मैंने इसको भी पीस लिया था ग्राइंडर में। अब हम तमाम मसाले डाल के तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। यहाँ पे चावल भी हमारे पास बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए मेरे पास दनक का आलू बुखारा है, और अच्छी क्वालिटी का है, ये बड़े ज़बरदस्त है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा है। हमने ये आलू बुखारा लिया है, तकरीबन हम 10 से 12 इसमें आलू बुखारे शामिल करेंगे, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और अब हम इसको डाल के अच्छे से भूनेंगे, जिसकी चिकन जितनी ज़्यादा चिकन की बनाई होगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, सिरका भी हम 4 से 5 चम्मच डालेंगे, और अच्छी क्वालिटी का है, रॉयल किसान वालों का है, और सिरका वगैरह डाल के हम इसको अच्छे से स्पाइसेस बनाएंगे,
और उम्मीद है कि मुझे आपको ये मेरी आज की रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसी से हमारी हौसला अफज़ाई होती है। अच्छा जी, अब 4 से 5 मिनट हमने ढकना दे के इसको अच्छे से पकाया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी ग्रेवी रेडी हुई है और कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अब हम एक देगचा लेंगे और उसमें इस तरह घी जो है वो फैला देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लेंगे, और उसमें थोड़ा सा हम नीचे जो है ना देगचे के तले पे नीचे वो लगा देंगे, और उसके ऊपर हम जो बॉयल चावल हैं वो हम डालेंगे। अब हम एक तह जो है वो चावलों की लगाएंगे और एक तह चावलों के ऊपर कौरमे की लगाएंगे, जो हमने कौरमा रेडी किया है बिरयानी के लिए। तो अब देखिए कितना प्यारा कलर है, हम इसमें अब कौरमा जो है वो शामिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसके ऊपर फिर हम एक चावलों की लेयर शामिल करेंगे। और चावलों और कौरमे की जब हम लेयर एक दूसरे पे डाल देंगे, और इसके ऊपर हम फिर एक साइड पे थोड़ा फूड कलर डालेंगे ताकि थोड़ा सा येलो सा कलर आए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इसमें आए, नफासत आए। उसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो गार्निश कर देंगे। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच जो है वो घी डालूंगी, और घी डाल के तो फिर हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट दम लगाएंगे। 5-6 मिनट जब हो जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। मज़ेदार सी हमारी झटपट बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।